हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच मतलब फ्रांस, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, यानी कि चेंज। देखो, अगर छोटी चेंज हो तो उसको हम रेवोल्यूशन नहीं बोलते, कोई बड़ी चेंज हो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि एक राजा था, उसी के लोगों ने राजा के लोगों ने उसको राजा को गद्दी से उतार कर उसको मारा था। तो आज हम उसके बारे में पूरी एक होल स्टोरी पढ़ेंगे कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, क्यों लोगों ने उसको गद्दी से उतारा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज अपने चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, नाइन्थ क्लास एसएसटी का ये फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। देखो, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये हुई थी 1789 जुलाई 14 को। क्यों हुई, इसके बहुत से कारण हैं। जब राजा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था लुई 16, तो तीन मेन कारण थे स्टोरी के पीछे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आज हम बात करेंगे वो तीन कारण कौन कौन से, तीन कारण आप इस स्लाइड में देख सकते हो, इकोनॉमिकल कॉज, पॉलिटिकल कॉज एंड सोशल कॉज। इकोनॉमिकल कॉज का मतलब क्या था कि जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन से 28 मिलियन, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, लेकिन जो लोगों की सैलरी थी वो वही बेसिक सैलरी थी, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, लेकिन राज्य ने कुछ नहीं सुना। दूसरा, अगर बात करें हम सोशल कोज था कि जो राजे के टाइम लुई 16 की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो समाज था, ठीक है, वो तीन वर्गों में डिवाइड किया गया था। आप इस स्लाइड में देख सकते हो वो जो तीन वर्ग थे वो कौन कौन से थे, जिसको हम एस्टेट भी बोलते हैं, वो तीन एस्टेट में डिवाइड किए हुए थे। वो जो तीन एस्टेट थे, जैसे अगर मैं उनके नाम की बात करूँ, फर्स्ट एस्टेट है क्लर्जी, जिसमें सिर्फ चर्च के लोग आते थे, जो चर्च की सेवा करते हैं, जो चर्च के साथ जुड़े होते हैं, वो फर्स्ट ग्रुप के बच्चे थे, फर्स्ट ग्रुप के पर्सन थे, जिसको हम बोलते हैं हम क्लर्जी। सेकंड एस्टेट, यानी कि सेकंड ग्रुप में जो डिवाइड किए गए थे वो थे नोबेलिटी, जिसमें जो अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, जो अच्छी अच्छी बड़ी पोस्टों पर आते थे। और तीसरे ग्रुप, जिसको हम कहते हैं तीसरा ग्रुप था, उसमें गरीब लोग, जैसे कि किसान आ गया, जो छोटी मोटी जो पोस्ट हैं, क्लर्क वगैरह, ठीक है, जो घर का छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, वो बंदे आते थे। तो होता क्या था कि जो राजा था वो टैक्स वसूल करता था, लेकिन वो टैक्स फर्स्ट, जिसको हम क्लर्जी कहते हैं, चर्च के बंदे, दूसरा नोबेलिटी, जिसको हम बोलते हैं अच्छे जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे, उनसे वो टैक्स नहीं लेता था। जो सबसे थर्ड कैटेगरी के बंदे थे उनसे वो टैक्स लेता था, जिसकी वजह से जो किसान थे, जो लो वर्ग के लोग थे, वो थोड़े से इस चीज़ के लिए भी गुस्सा थे। तो ये था सोशल कोज, इकोनॉमिक कोज में आपको बता दिया था। और जो थर्ड कोज है वो था पॉलिटिकल कोज। पॉलिटिकल कोज में आप कह सकते हो ये सभी चीज़ें, जितना भी लुई 16 जो पैसा था, ठीक है, जो टैक्स से लेता था, वो सारा पैसा उसका, उसके एक बहुत बड़ा महल था, जिसको वर्सिला में बहुत बड़ा महल था, वो महल को चलाने के लिए उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था। उसका सारा पैसा अमेरिकन की कॉलोनियों को छुड़वाने में लग गया। आप बोलोगे कॉलोनीज क्या होते हैं, कॉलोनीज मतलब कब्जा, जैसे ब्रिटिश कॉलोनी अपने इंडिया को कवर किया हो था उन्होंने, हमने 1947 में आज़ादी ली थी, ठीक है, ऐसे ही कुछ अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था। तो लुई 16 ने सारा पैसा उन ब्रिटेन के खिलाफ, आप कह सकते हो कि सारा पैसा अमेरिकन को छुड़वाने में लगा दिया ब्रिटेन से, जिसकी वजह से इतना पैसा कम हो गया कि उसने टैक्स बढ़ाने की सोची, वो टैक्स बढ़ा भी रहा था। तो ये आप ये तीन कारण समझ गए होंगे, इन तीन कारण की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। तो आगे होता क्या है इसके बारे में हम, ठीक है, आगे की स्टोरी में जानेंगे, ठीक है, थैंक यू।